इस क्वेश्चन में कहा गया है कि F takes R to R and G takes R to R be defined by this equation and this equation. Then the area of the region bounded by this curve and x equal 0 is. You have to find the correct choice. As usual, आप बाकी solutions के अंदर बाकी solutions और मेरे solution को compare कर सकते हो. आप देखोगे कि मेरा solution औरों से बिल्कुल अलग मिलेगा. मेरे solution में आपको calculation बहुत कम करनी पड़ेगी. ध्यान देने वाली बात यह है, examiner ने सब जगह x माइनस वन दिया है. वन माइनस एक्स को भी एक्स माइनस वन बनाया जा सकता है माइनस कॉमन लेने के बाद. तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा यदि एक्स माइनस वन को मैं टी मान लेता हूं. एक्स माइनस समथिंग को टी मानने से कभी भी एरिया बाउंडेड चेंज नहीं होता, केवल बाउंडेड एरिया लेफ्ट या राइट शिफ्ट हो जाया करता है. और वाई माइनस या प्लस को कुछ मानने से भी एरिया कभी चेंज नहीं होता, केवल बाउंडेड एरिया ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाया करता है. इसी बात को मैं अपने सॉल्यूशन में यूज करने जा रहा हूं और इसी बात को यूज करने से मेरा सॉल्यूशन छोटा भी हो जाएगा और उसमें कैलकुलेशन भी कम हो जाएगी. तो सबसे पहले मैं x माइनस वन को t मान लेता हूं तो f t हो जाएगा e to power minus of mod t. g t हो जाएगा e to power t plus e to power minus t by 2. एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है x should be greater than equal to 0. That is, I can say t plus 1 is greater than equal to 0. Means t should be greater than equal to minus 1. और लास्ट इंफॉर्मेशन है द लाइन x equal to 0. द लाइन x equal to 0 means t equal to माइनस वन, जो कि इसी का पार्ट है. मीन्स क्वेश्चन का मतलब हो गया यू हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ टी, वाई इक्वल टू जी टी, टी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन एंड द लाइन y इक्वल जीरो, जिसको कि पहले मैं x एक्सिस बोल रहा था लेकिन t में कन्वर्ट करने के बाद इसको मैं t एक्सिस बोलना शुरू कर दूंगा. नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर. आप देखोगे कि इस बात को यूज करने से मेरी कैलकुलेशन अब बहुत कम हो जाएगी और एग्जामिनर भी बच्चों से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि कौन से बच्चे इन बातों को यूज करते हैं, क्योंकि को यूज करने से ही वो सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनेगा. यदि इनको यूज नहीं करते ऑब्जेक्ट दैट विल नॉट बी टेकन एज ए सॉल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. अब एक ग्राफ है वाई इक्वल टू ईट पर टी माइनस ईट पर माइनस ऑफ मॉड टी, दूसरा ग्राफ y इक्वल टू ईट पर टी प्लस ईट पर माइनस टी बाय 2. ध्यान दो ये एक इवन फंक्शन है. अब एक बेनिफिट और मेरे को मिल गया कि अब t में कन्वर्ट करने के बाद ये एक इवन फंक्शन है, जिसके कारण ग्राफ ड्रा करना भी अब मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा.
आपको एक बात ध्यान देनी चाहिए कि जब भी दो कर्व से बाउंडेड एरिया निकालना हो, ग्राफ ड्रा करना हमेशा जरूरी नहीं होता। कब जरूरी होता है और कब जरूरी नहीं होता, जैसा कि मैंने अपने एरिया के वीडियो लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया है, यदि एक ग्राफ हो y इक्वल टू पी एक्स का ये वाला, y इक्वल टू क्यू एक्स का ये वाला ग्राफ है और हमने दोनों कर्व से बाउंडेड एरिया निकालना हो, सपोज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा और बीटा हैं, तो बाउंडेड एरिया इज इक्वल टू अल्फा टू बीटा पी एक्स माइनस क्यू एक्स डी एक्स होता है। और उन क्वेश्चंस के अंदर मेरे को ग्राफ ड्रा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जिन क्वेश्चंस के अंदर मेरे को किसी तरह से ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि अल्फा से लेकर बीटा तक ये वाला ग्राफ ऊपर है, ये वाला ग्राफ नीचे है, क्योंकि मेरे को शेप से मतलब नहीं होता। ग्राफ ऐसा होता और नीचे वाला ग्राफ ऐसा होता तो भी फॉर्मूला तो वही रहता। ग्राफ की शेप से हमको कभी भी मतलब नहीं होता। ग्राफ तो हम केवल इसलिए ड्रा करते हैं क्योंकि हम देखना चाह रहे होते हैं कि एक्स की कौन सी वैल्यूज के लिए कौन सा ग्राफ ऊपर है। जैसा कि फॉर एग्जांपल सपोज ये ग्राफ पी एक्स का है, ये ग्राफ वाई इक्वल टू क्यू एक्स का है, अल्फा बीटा गामा आर द एक्स कॉर्नर्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स। तो ऐसी सिचुएशन में बाउंडेड एरिया निकालने के लिए आपको अल्फा से लेकर बीटा तक लिखना पड़ेगा पी एक्स माइनस क्यू एक्स डी एक्स, क्योंकि अल्फा से लेकर बीटा तक ये वाला ग्राफ ऊपर है, ये वाला ग्राफ नीचे है, प्लस फिर बीटा से लेकर गामा तक, क्योंकि क्यू एक्स ऊपर है पी एक्स नीचे है, इसलिए क्यू एक्स माइनस पी एक्स डी एक्स लिखना होगा। तो ये सब बातें मैंने केवल इसलिए बताई हैं, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व निकालना हो, ग्राफ ड्रा करने की हमेशा जरूरत नहीं होती। यदि किसी इंटरवल में हमको पहले से पता होता है कि कौन सा ग्राफ ऊपर है कौन सा ग्राफ नीचे है, तो उस सिचुएशन में हमको ग्राफ ड्रा करने की जरूरत नहीं होती। इन सब बातों की ज्यादा डिटेल के लिए आपको मेरा ग्राफ और एरिया का वीडियो लेक्चर देखना होगा। ये क्लियर है, दिस इज इक्वल टू ई पर टी माइनस ई पर माइनस टी इसकी रीडिफाइंड फॉर्म ये है, और टी इक्वल जीरो के लिए क्योंकि दोनों सेम आंसर दे रहे हैं तो इसलिए मैंने इक्वल जीरो को यहां भी लिख दिया, यहां भी लिख दिया। दिस आई ऑलवेज डू फॉर सिंप्लिसिटी। जब भी इक्वलिटी दोनों जगह पॉसिबल होती है तो मैं
दोनों जगह इक्वल टू लिखना हमेशा ज्यादा पसंद करता हूं। दिस मेक्स माई सोल्यूशन स्लाइटली मोर सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन आल्सो। प्रेजेंट केस में मेरे को ग्राफ ड्रा करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि मेरे को नहीं पता कि टी की कौन सी वैल्यूज के लिए कौन सा ग्राफ ऊपर होगा। अब इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए जैसा कि मैंने अपने ग्राफ के वीडियो लेक्चर में बताया है, जब भी किसी इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना हो, सिमेट्री के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये होता है कि ग्राफ कहाँ कहाँ टर्न करेगा, और टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए डेरिवेटिव को जीरो पुट किया जाता है। ये क्लियर है, मैं टी ग्रेटर देन इक्वल जीरो के लिए ही ग्राफ बनाऊंगा, टी लेस देन इक्वल जीरो के लिए तो ग्राफ विल कॉइंसाइड विद टी एक्सिस। ध्यान रखना ये टी एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस अब नाम नहीं रहा क्योंकि अब हम टी एक्सिस और वाई एक्सिस को यूज कर रहे हैं। टी लेस देन इक्वल जीरो के लिए ग्राफ ये हो गया। अब डिवाइबिलिटी की वैल्यू आ गई एट पर टी प्लस एट पर माइनस टी, विच इज श्योरली ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब इसका ग्राफ हमेशा अब इंक्रीजिंग ही होगा, तो मतलब कि राइट साइड में ग्राफ बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू जी टी, दैट इज एट पावर टी प्लस एट पावर माइनस टी बाय टू। क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है इसलिए इसका ग्राफ वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। पहले मैं दोनों के ग्राफ को ड्रा करने के लिए अलग अलग एक्सिस यूज कर रहा हूं, फिर फॉर सिंप्लिसिटी, और उसके बाद मैं दोनों को एक ही एक्सिस पे ड्रा कर दूंगा। ये क्लियर है, डिवाइबिलिटी की वैल्यू आ गई ईट पर टी माइनस ईट पर माइनस टी बाई टू। अगेन मैं केवल राइट साइड वाला ग्राफ बनाऊंगा, लेफ्ट साइड वाला ग्राफ अपने आप बन जाएगा बिकॉज दिस इज इवन फंक्शन, हेंस द ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। अब इधर वाला ग्राफ ड्रा करना हो तो साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि टी पॉजिटिव है, इसलिए ईट पावर टी ईट पावर माइनस टी से तो फिर ज्यादा ही होगा। देयरफॉर डिवाइबिलिटी इज क्लियरली ए पॉजिटिव नंबर, हेंस इसका ग्राफ भी पक्का इंक्रीजिंग होगा और स्टार्ट होगा वन पे, क्योंकि जब टी को जीरो पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू वन आएगी, ग्राफ ऐसे जाएगा, और इसलिए ग्राफ लेफ्ट साइड में भी ऐसा आ जाएगा। ये है ग्राफ ऑफ दिस। तो अब हम दोनों के ग्राफ को सेम एक्सिस पे ड्रा करते हैं। पहले वाला ग्राफ ये हो गया, दूसरे वाला ग्राफ ये हो जाएगा, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि दोनों ग्राफ आपस में कट करेंगे कि नहीं करेंगे, और यदि करेंगे तो कहां करेंगे। अब एरिया बाउंडेड क्या होगा, अब मैं ये शो कर रहा हूं क्योंकि एक ग्राफ था वाई इक्वल टू एफ टी का, एक ग्राफ था वाई टी का, एक लाइन थी टी इक्वल टू माइनस वन एंड अबव टी एक्सिस था, तो ये लाइन है t
टी इक्वल टू माइनस वन. तो एरिया बाउंडेड क्लियरली बिकम्स दिस. अब बस इन दोनों का हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, और क्योंकि मैं पॉजिटिव साइड की बात कर रहा हूं, इन अदर वर्ड्स मैं इसको और इसको सॉल्व करूंगा. दैट इज आई विल राइट 8 पावर t माइनस 8 पावर माइनस t इज इक्वल टू 8 पावर t प्लस 8 पावर माइनस t बाय 2. दैट इज आई विल गेट 2 8 पावर 2 t माइनस 2 इज इक्वल टू 8 पावर 2 t प्लस 1. दैट इज 8 पावर 2t equal to 3. That is 2t is equal to log 3. Base मैं नहीं लिख रहा, base यहाँ पे e अंडरस्कोर है. तो t की वैल्यू आ गई 1 by 2 log 3. मतलब कि दोनों ग्राफ कट करेंगे और यहाँ का टी कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/2 log 3. अब एरिया बाउंडेड निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. माइनस वन से लेकर जीरो तक दिस ग्राफ माइनस द इक्वेशन ऑफ टी एक्सिस दैट इज वाई इक्वल जीरो, एंड यहां से लेकर यहां तक दिस ग्राफ माइनस इस ग्राफ दैट इज आई विल राइट माइनस वन टू जीरो. दिस कर्व इज जी टी एंड दिस इज वाई इक्वल टू जीरो. ई पावर टी प्लस ई पावर माइनस टी बाय टू माइनस जीरो एंड डी टी प्लस जीरो टू वन बाय टू लॉग थ्री e पावर t प्लस e पावर माइनस t बाय टू माइनस e पावर t माइनस e पावर माइनस t एंड dt. दिस इज इक्वल टू 1/2 e पावर t माइनस e पावर माइनस टी एंड माइनस वन टू जीरो प्लस जीरो टू वन बाय टू लॉग थ्री थ्री ई पावर माइनस टी माइनस ई पावर टी बाय टू एंड डी टी दैट इज 1/2 जीरो माइनस eight power minus one minus eight power one plus 1/2 three eight power minus three minus minus eight power t 0 to 1/2 log three. That is e माइनस e इनवर्स बाय माइनस 1/2 थ्री ईट पावर माइनस 1/2 लॉग थ्री प्लस ई पावर 1/2 लॉग थ्री माइनस 3 + 1 that is e minus e inverse by 2 plus 2 minus 1/2 3 upon root 3 plus root 3
that is E minus E inverse by 2 plus 2 minus root 3.